जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालात को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आतंकी घटनाओं और पाकिस्तान की गोलीबारी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को आजादी के बाद की सबसे कमजोर सरकार बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि 56 इंच के सीने वाली सरकार देश में आजादी के बाद की सबसे कमजोर सरकार है। वाराणसी में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने का दावा एक झूठ है। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे आतंकवादी हमलों से साफ है कि ये 70 साल में सबसे कमजोर सरकार है। यूपीए सरकार से बीजेपी सरकार की तुलना करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहले की सरकारों के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में ऐसे हमले नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन सरकार बनी है, आतंकवादी हमलों में बहुत तेजी आई है। आतंकी हमलों के साथ साथ बेरोजगारी को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी के राज में न सिर्फ दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हुए हैं, बल्कि बेरोजगारी और महंगाई भी अपने चरम पर पहुंच गई है। युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। आजाद ने मौजूदा सरकार को कागजी बताते हुए कहा कि यह टेलीविजन सरकार है, ये सिर्फ मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।